बच्चे सबने अपना काम कर लिया था? हाँ सर, 5-6 क्वेश्चन रह गए थे, 7.2 के वो करने हैं बस। ओके, ट्राई करना बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कर लेना। आज हम खाली एक ही एक्सरसाइज करेंगे, 8 पॉइंट ये कहता है 1, तो वो ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, 20-25-30 मिनट का ही काम है, तो वो ट्राई करेंगे, वो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है सारे बच्चे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, फॉर्मूले किसके थे? हमारे पास फॉर्मूले थे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 sin A cos B, ये फॉर्मूला था। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos A sin B। उसके बाद आता था cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos A cos B, ये था हमारा। और cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी इज इक्वल टू 2 sin A sin B, ये फॉर्मूले थे हमारे इस एक्सरसाइज, ये इम्पोर्टेंट थे काफी ज्यादा। अब हमें क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर बेस्ड कैसे कर रहे हैं वो चीज देखते हैं। जैसे इसमें जो ए होता है ज्यादातर बी से बड़ा लेंगे हमेशा। और क्या चीज है हमारे पास? साइन माइनस थीटा क्या होता था हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। और टैन माइनस थीटा जो था वो हमारा था माइनस टैन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी कुछ। तो अब जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे तो वो कैसे करने हैं वो चीज देखते हैं। देखो बच्चे, इसको एक्सप्रेस, इन क्वेश्चंस को जैसे मैं बोल रहा हूँ इन्हें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस एज इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस। जैसे हमारा आता है 2 sin 3x into cos x, तो बच्चे यहाँ पे ए क्या होगा? 3x, ए जो हो गया वो 3x, और बी जो हो गया वो क्या हो गया? एक्स। तो ये ए और बी, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। अब 2 sin cos B कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला जो हमने क्लिक किया, 2 sin A cos B क्या होता था? साइन ए प्लस बी साइन 3x plus x प्लस साइन 3x minus x। मैंने बोला है सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। जैसे एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, मेरे को क्वेश्चन दिया गया cos 2x into cos 3x, तो बच्चे यहाँ पे a क्या होगा और b क्या होगा? a 3x होगा, b 2x होगा, यानी और इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड नहीं है, तो आप क्या करोगे? हाफ इनटू 2 cos लिखेंगे कैसे? 3x इनटू cos 2x। अब द आंसर इज हाफ cos 2 cos a cos b क्या होता है? cos a plus b, cos a plus b कितना? 5x plus cos a minus b कितना? cos x। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास एक और आता है, एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे अगर आता है कि cos sin x into sin 3x, अब बच्चे इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का रीजन क्या है हमारा? ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए 2 sin 3x into sin x, ये हमारे पास। अब हमारे पास 2 sin 3x into sin x है, तो 2 sin A sin B, a should be greater than b, तो मैंने इसलिए 3x को पहले लिख दिया। यहाँ पे आया cos a minus b, 3x minus x minus cos 3x plus x। तो ये बेसिकली किस लिए था? क्वेश्चन जो थे वो बताने के लिए कि कैसे एक्सप्रेस करना है आपको, सम और डिफरेंस की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। इस पेज पे किसी को कोई डाउट है? अखिलेश बच्चे डाउट है सर? नो सर, एक बार थर्ड वाला बताना। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा sin x into sin 3x, फॉर्मूला किसका लगेगा? साइन ए साइन बी, इसका जो मैंने मार्क किया है अभी। उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 sin A sin B क्या होता है? cos A minus B cos A plus B,
ये वाला फॉर्मूला हमने जस्ट प्रॉपर्टी यूज किया और कुछ क्या क्लियर है? यस सर। अखिलेश बच्चे क्लियर है? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है इस चीज में? डाउट है? अब देखते हैं बच्चे, हम इसी पेज पे ना दो तीन क्वेश्चंस और देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बारी साथ साथ में नोट जरूर करेंगे कि मैं 8.1 और 8.2 का जस्ट हिंट लूंगा थोड़ा सा, ताकि हिंट के बाद आपका 8.1 और 8.2 की आधी एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी। देखो बच्चे, अब लेट सपोज आपके पास जो क्वेश्चन आता है मेरे को प्रूफ करना है। जैसे क्वेश्चन आया फर्स्ट कि कॉस 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80 इज इक्वल्स टू 1/8, ये प्रूफ करना। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला किसका पता है? कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? पहले हाफ से डिवाइड किया और 2 कॉस 40 लिखा इंटू कॉस 20। वैसे कोई भी ले सकते हैं, मैं दोनों शुरू किए। ठीक है, अब 2 कॉस ए कॉस बी जो होता है वो क्या होता है आपका? 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी कितना हो गया? कॉस 60 प्लस कॉस ए माइनस बी कितना हो गया? 40 माइनस 20 कितना? 20। अब यहाँ पे कॉस 80, यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 प्लस कॉस 20 इंटू कॉस 80। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो आपका आया 1/2, 1 प्लस 2 कॉस 20 डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस 80। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया आपका बाहर 1/4। यहाँ पे आया कॉस 80 प्लस 2 कॉस 80 इंटू कॉस 20। मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए यहाँ तक अभी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस ए कॉस बी का। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस 80 तो पहले से था, कॉस ए प्लस बी कितना? कॉस 100 प्लस कॉस ए माइनस बी कितना? कॉस 60। ठीक है, कॉस 60। अब यहाँ पे देखो, ये इस टर्म को हमने लिखा, कॉस 60 की वैल्यू तो आपको पता है 1/2। कॉस 100 को आपने लिखा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 1/4 कॉस 80 प्लस कॉस 180 माइनस 80। ये बात सबको क्लियर है? 100 को लिखा प्लस कॉस 60 कितना? हाफ। अब कॉस 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस विल बी नेगेटिव और 180 मींस नो चेंज, तो आंसर विल बी 1/4 कॉस 80 माइनस कॉस 80 प्लस 1/2। तो आपका आंसर ये और ये कट गया, कॉस 80 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8। ये बात सबको क्लियर है? ऐसे दो क्वेश्चन होंगे अभी जो समझ आएंगे और भी। चेतन बच्चे बात क्लियर है? यस सर। बच्चे ईशांक? यस सर। ईशांक? यस सर। ऋतिका? ठीक है। सम्यक जैन? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का sir. एक और लेते हैं। हाँ ठीक है, एक इसी टाइप का और लेते हैं इसी पेज पे, हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो हम बच्चे थोड़ा सा जैसे जैसे मैं रब कर रहा हूँ आप फॉर्मूले देखते जाओ, मेमोराइज करते रहो, क्योंकि तभी समझ आएगा अच्छे से, नहीं तो समझ नहीं आएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल ढंग से। अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा, इसके बाद मैं इस पेज को हटा दूंगा ताकि फॉर्मूले याद हो जाए सबको और तब क्वेश्चन करें। अब लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन है आपका, मेरा साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, 1/2 इंटू 2 साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80।
अब टू साइन ए साइन बी, ए क्या होगा आपका 40, ए क्या होगा 40, क्यों बड़ा होता था, 1/2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था आपका, ये रहा नीचे कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी 40 माइनस 20 20 माइनस कॉस 40 प्लस 20 60, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 80, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 1/2 cos 20, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम ही चल रहा है, इंटू साइन 80। अब यहाँ पे आया आपका 1/2 एलसीएम लिया, कॉस 2 cos 20 माइनस 2 cos 20 माइनस 1/2 इंटू साइन 80, ठीक है। अब ये आ गया 1/4 टू साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस साइन 80। अब यहाँ पे 2 sin a cos b का फॉर्मूला ऊपर से देख लेते हैं, ये था अब 1/4 साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना 100, प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना साइन 60, अब माइनस साइन 80। अब यहाँ पे जो आया साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता है √3/2 होती है, साइन 100 को क्या लिखते हो आप, साइन 180 माइनस 80 प्लस √3/2 प्लस साइन 80। तो ये जो हो गया साइन 180 माइनस 80 जो होता है कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन विल बी पॉजिटिव बट साइन 180 मीन्स नो चेंज। तो ये आ गया 1/4 साइन 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80। तो आंसर इज √3/8। किसी को डाउट है बच्चे? सर वहां स्टार्टिंग में 1/2 से और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करो? अच्छा 2 sin a sin b का फार्मूला होता है, sin a sin b का फार्मूला नहीं होता, ठीक है? अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा सर पे लास्ट स्टेप बता दो। अच्छा लास्ट स्टेप sin 180 - 80 से यहां से यहीं से बताना, 180 - 80 यस सर, यस सर। अब यहां पे जब sin 100 आया था ना बच्चे, साइन 100 को आपने लिखा था साइन 180 माइनस 80, 180 माइनस थीटा जो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और मींस नो चेंज होता है, ठीक है, नो चेंज। तो इसलिए साइन 80 रहा यहाँ पे, साइन 80 और साइन 80 कैंसिल आउट हो गया, √3/2 × 1/4 दैट इज √3/8 आया था, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, और किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि अब मैं फॉर्मूले याद रहने चाहिए मेरे हिसाब से, मैं बीच बीच में पूछूंगा भी किसी से फॉर्मूले भी पूछूंगा। अब जैसे लेट सपोज मेरे को चाहिए कॉस 10, कॉस 30, कॉस 50, कॉस 70 इज इक्वल्स टू 3/16, ये प्रूफ करना, ठीक है। सेम प्रोसीजर है जहां पे चार टर्म्स है। अच्छा बच्चे इसमें किसकी वैल्यू पता है, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो मैंने √3/2 बाहर ले दिया, ठीक है। क्वेश्चन होगी कॉस 10 इंटू कॉस 50 इंटू कॉस 70, यहां तक मेरे को लगता नहीं है डाउट है किसी का। अब 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया √3/4 टू कॉस 50, पहले 50 को क्यों लिखा, क्योंकि a बड़ा होना चाहिए था b से। अब cos 70 यहां तक, अब 2 cos a cos b का कोई फॉर्मूला बोलेगा, अखिलेश बच्चे फॉर्मूला बोल 2 cos a cos b का। सर cos a plus b, cos a plus b means cos 60 plus cos plus a cos a minus b, वेरी गुड cos 70। अब यहां पे cos 60 की वैल्यू क्या है, हाफ है, 1/2 प्लस कॉस 40 इंटू कॉस 70। अब ये जो चीज आ गई, एलसीएम लिया √3/4 1 प्लस 2 कॉस 40 डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस 70। अब यहाँ पे जो चीज आई तो क्या आया, √3/8 कॉस 70 प्लस 2 कॉस 70 इंटू कॉस 40। अब ये जो चीज आई √3/8 cos 70 2 cos a cos b का फॉर्मूला दोबारा से, cos a plus b plus cos a minus b।
अब यहाँ पे cos 110 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 70, विच क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव, माइनस cos 70, cos 70 प्लस रूट 3/2 और रूट 3/8, आंसर इज 3/16। इसमें किसी को डाउट? सर एक बार फिर से बता दो। बच्चे cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, सबसे पहले हमने इसमें आइडेंटिफाई किया किसकी वैल्यू हमें पता है, cos 30 की वैल्यू पता है, हमने रूट 3/2 से लिख दिया, उसके बाद 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b, उसके बाद हमारा cos 70 बाहर था, रूट 3/4 आ गया, cos 60 की वैल्यू आपने 1/2 लिख दी, 1/2 लिखने के बाद cos 40, ये सेम चीज लिख दी यहाँ पे। अब उसके बाद आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद रूट 3/8 बाहर चला गया और cos 70 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला ये होता है, cos a plus b plus cos a minus b, cos 110 cos 70 से कैंसिल आउट होगा, तभी आंसर 3/16 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली ऐसी ये सारे क्वेश्चन सेम ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया बच्चे सबको? यस सर। यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं कि हमें कैसे करना है। जैसे लेट सपोज मेरे को करना है tan 20, tan 30, tan 40, tan 80 is equals to 1 प्रूफ करना। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू पता है, पहले ये देखो, tan 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/√3। आपका क्वेश्चन जो बन गया वो बन गया sin 20 sin 40 into sin 80, ये बन गया क्वेश्चन। ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका, cos 20 cos 40 और cos 80, ये बना क्वेश्चन आपका। अब बेसिकली मैं ऊपर वाली टर्म को अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे वाली टर्म को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे वाली टर्म को cos 20 cos 40 into cos 80, देखो बच्चे, तो यहाँ पे 1/2 into 2, तो 1/2 2 cos a cos b क्या होता है, cos a plus b, अब थोड़ा जल्दी करूंगा, cos a minus b, cos 20 cos 80, ठीक है, cos a plus b कितना होता है, 1/2 plus cos 20 और cos 80, ठीक है। अब LCM लिया, 1/2 1 plus 2 cos 20 और नीचे 2 और cos 80, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 1/4 cos 80 plus 2 cos 80 into cos 20, so the answer is 4 cos 80 plus 2 cos a cos b cos a plus b 100 plus cos a minus b cos 60। अब यहाँ पे cos 100 को क्या लिखोगे आप, cos 180 minus 80, cos 180 minus theta जो होता है minus cos theta होता है, तो ये और ये कट जाएगा, आंसर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आंसर विल बी 1/8, नीचे वाले का आंसर 1/8 आ गया। अब ऊपर वाले का आंसर, sin 20 sin 40 sin 80, 1/2 2 sin 40 into sin 20 into sin 80, अब what is this answer, 1/2 2 sin a sin b का क्या होता है, cos a minus b minus cos a plus b और into sin 80, अब 1/2 cos 20 माइनस cos 60 हाफ इंटू sin 80, अब यहाँ पे LCM लिया, 1/4 आ जाएगा, 2 cos 20 माइनस 1 इंटू sin 80, अब 1/4 आया, अब यहाँ पे 2 sin 80 इंटू cos 20 माइनस sin 80, अब यहाँ पे आया 1/4 2 sin a cos b क्या होता है, sin a plus b 100 plus sin a minus b sin 60 minus sin 80, automatically ये और ये cancel out हो जाएंगे, sin 60 कितना होता है, √3/2 √3/8, अब ऊपर वाली टर्म जो आई है वो आई है √3/8, नीचे वाली टर्म आई है 1/8 into क्या है, 1/√3, ठीक है, तो answer is 1। आपको जब भी tan के क्वेश्चन आए तो ऐसे ही कन्वर्ट करना है, तभी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये बात सबको क्लियर है? अखिलेश बच्चे क्लियर है? चेतन? यस सर। बोलो बोलो।
सर 2 sin 80 cos 20 के बाद क्या किया, उसको कैसे कन्वर्ट किया तुमने? 2 sin a cos भी होता है ना, sin a plus b plus sin a minus b, ठीक है? बट उसके बाद कैंसिल कैसे हो गए? sin 100 जो था अपने, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 180 minus 80 होता है, ठीक है? 180 minus 80 क्या होता है क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट sin will be positive plus sin 80, ठीक है? sin 80 कैंसिल आउट हो गए। और किसी का डाउट है? और किसी का कोई डाउट है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हम अगर हमारा आता क्वेश्चन आता है, मेरे को प्रूफ करना है कॉस, जैसे क्वेश्चन आया कॉस 4 cos x कॉस पाई बाय 3 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x, ये प्रूफ करना। अब इसमें भी सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई पहले से है, 2 बाहर रखो। अब 2 cos x यहाँ पे cos x प्लस पाई बाय 3, इसमें क्या लिखा है? cos cos 4 cos x cos पाई बाय 3 प्लस x इंटू cos पाई बाय 3 माइनस x इज इक्वल टू 4 cos 3x, ठीक है? यस सर। पाई बाय 3 माइनस x इंटू cos x। बच्चे मैंने इन दोनों टर्म्स को ही क्यों ग्रुप किया, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल लग रही थी, बस और कोई रीजन नहीं। यहाँ पे आ गया 2 cos x, cos b का फॉर्मूला होता था cos a plus b, x plus pi by 3 plus x minus pi by 3 plus cos x plus pi by 3 minus x plus pi by 3, ये आ गया। अब cos x plus pi by 3 जो होता pi by 3 से pi by 3 कट गया, यहाँ पे आ गया cos 2x plus cos 2 pi by 3। अब यहाँ पे 2 cos x, अब cos 2 pi by 3 मतलब क्या होता है? cos 2 into 180 divided by 3, तो 360, वो यानी cos 120। cos 120 की वैल्यू निकालनी है 90 plus 30। cos 90 plus 30 कौन सा quadrant है? 90 plus 30 ये वाला quadrant है। इस quadrant में क्या positive होता है? negative होता है cos, और sin 30 आ जाएगा। sin 30 कितना? minus half, ये कितना आ गया? माइनस हाफ। अब यहाँ पे माइनस 1/2 आ गया cos 2x, और यहाँ पे आ गया 2 cos x, फिर से मैं मल्टीप्लाई किया 2 cos 2x into cos x माइनस cos x। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a plus b, कितना cos a plus b कितना 3x plus cos a minus b कितना x माइनस cos x, ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया? cos 3x, ये मेरे हिसाब से बात क्लियर है। इस तरह से एक क्वेश्चन और आता है, प्रूफ करना हो 4 sin x sin x plus pi by 3 और sin x minus pi by 3 is equals to sin 3x, ठीक है? ये प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे? बिल्कुल सेम है, 2 sin x बाहर, 2 sin x plus pi by 3 और प्लस साइन 2 साइन x प्लस पाई बाय 3 इंटू साइन x माइनस पाई बाय 3। आपका जो आएगा 2 साइन x क्या लिखेंगे? 2 साइन a साइन b क्या होता है? cos a माइनस b, a माइनस b कितना होगा? तो आपका 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, cos 2 पाई बाय 3 माइनस cos a प्लस b जो आएगा वो 2x आएगा। ये बात मेरे हिसाब से क्लियर है कि नहीं यहाँ तक बच्चे? बात क्लियर है चेतन? गुल बच्चे बात एक बार दोबारा बताना, कौन सा? सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? सेकंड वाला। अच्छा ये क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं 2 4 sin x sin x plus 5 by 3 sin x minus 5 by 3, जैसे ऊपर किया था 2 sin x को अलग, 2 sin a sin b, इसको 2 sin a sin b क्या होता है? cos a minus b minus cos a plus b, cos a minus b minus cos a plus b, cos a minus b जब करेंगे x plus 5 by 3 minus x plus 5 by 3 2 pi by 3 आ जाएगा, और माइनस कॉस 2x, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है सर। अब कॉस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, कॉस 2 पाई बाय 3, ये देखो बच्चे ये रहा कॉस 2 पाई बाय 3, ऊपर सर्कल दिखाया, ये वैल्यू क्या आई थी? माइनस हाफ, तो मैंने इसे लिखा 2 साइन एक्स इंटू माइनस हाफ प्लस माइनस कॉस 2x, ये आ गया माइनस हाफ प्लस माइनस कॉस 2x, ठीक है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स और
माइनस साइन एक्स टू साइन एक्स इंटू कॉस टू एक्स, ठीक है। अब टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला तो नहीं होता, तो ये क्या आएगा आपका टू कॉस ए साइन बी, ये जो बनेगा टू कॉस ए साइन बी माइनस साइन एक्स आएगा, और टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये माइनस, ये जो पूरी टर्म आ जाएगी साइन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा, और एक बार चेक कर लेना माइनस साइन थ्री एक्स जो आ रहा है वैसे प्लस साइन थ्री एक्स आना चाहिए, कोई ना कोई गलती की है हमने, कहीं पे कोई गलती बता सकता है सर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहां पर आके, कहां पर? सेकंड वाले में, सेकंड स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। चलो एक बार ये ना ट्राई कर लेना, समझ आ जाएगा मेरे हिसाब से, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। आप दोनों को अगर करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, टैन थ्री एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, टैन थ्री एक्स दोनों को डिवाइड कर दोगे, एक क्वेश्चन दे रखा होगा एक साइड में टैन थ्री एक्स का, वो भी आपका प्रूव हो जाएगा। अब जैसे अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम ये लेते हैं, हमें अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है वो 90 दे रखा है, ठीक है। आपको मैक्सिमम वैल्यू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा की निकालनी है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम कितनी होगी, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा हाफ मल्टीप्लाई किया टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब ये टू कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका 90, कॉस 90 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अब ये जो आ गया कॉस 90 क्या होता है जीरो, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन प्लस वन, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो इसको मल्टीप्लाई किया किससे, हाफ से, माइनस हाफ से, तो ये जो आ गया प्लस हाफ आ गया, ये क्या आ गया माइनस हाफ, तो उल्टा हो गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने की से ये मिनिमम होगी और ये आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये बात सबको क्लियर है बच्चे, 8.1 एक्सरसाइज सबको क्लियर है। एक बार मैं जल्दी जल्दी पूछता जा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। फोर्थ स्टेप बताना, फोर्थ माइनस ये वाला, यस सर। चेतन हाँ, कॉस 90 जीरो होता है, मैंने जीरो हटा दिया, माइनस कॉस सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा लिखना था, ठीक है, यस सर। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस 1 होती है, तो उसके हिसाब से हमने हाफ इंटू माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके हिसाब से माइनस हाफ और हाफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो छोटी आई वो मिनिमम होगी, जो ज्यादा वो मैक्सिमम होगी। कोई डाउट है अब सर? नो। अच्छा अब मैं एक बार पूछ, अखिलेश जल्दी बोलते जाओ। नो सर, नो सर। अनन्या, अनन्या नो सर। गुल नो सर। आईफोन किसका है ये? नहीं सर। अच्छा नाम क्या बच्चे आपका? आलेक। अच्छा आलेक, सम्यक डाउट है सर? सेकंड सर, सर सेकंड स्टेप में सर टू अल्फा कॉस बीटा सर कॉस अल्फा प्लस प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा नहीं बता सर वहाँ पे कॉस अल्फा, एक मिनट, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा जो होता है आपका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यू फॉर्मूला होता है, आपने वहाँ माइनस लिखा है। एक मिनट एक मिनट, कहाँ पर? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, तब भी आपका आंसर ही रहेगा, ये हाफ इंटू माइनस हाफ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक था, यहाँ पे प्लस मैक्स ये आएगा, ये मिन आएगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चे। और कोई चीज? हाँ और किसी को डाउट है बच्चे? सम्यक, वेरी गुड। चलो अब ये सबको पूरी एक्सरसाइज समझ आ चुकी है। अच्छा अब हम एक जो सी एन डी वाले फॉर्मुलेज हैं वो देख रहे हैं, पांच मिनट खाली उसको, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला टू साइन सी प्लस
डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू होता है आपका टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज इसको हम सी एन डी फॉर्मुलेज बोलते हैं इनको हम सी एन डी फॉर्मुलेज बोलते हैं बच्चे मैं ये चाहता हूँ 8.2 में मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आपको करने हैं इसके बिना आगे जब तक फॉर्मुलेज नहीं ट्राई करोगे तब तक नहीं होंगे ये खाली प्रैक्टिस बेस्ड है अभी अब जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं 5-6 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आप ट्राई करना 8.1 पूरी और 8.2 के 1 से लेके 5 क्वेश्चन और प्लस 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन 7th और 8th के 5 पार्ट्स कर लेना शुरू 5 पार्ट्स ये हो जाएंगे अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ जैसे आपका क्वेश्चन आता है साइन ए प्लस साइन 3A अपॉन कॉस ए माइनस कॉस 3A इज इक्वल्स टू कॉट ए ठीक है ये प्रूव करना अब यहाँ पे देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी व्हाट वाज द फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाय टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू सी प्लस डी कितना ए प्लस ए बाय टू और कॉस ए माइनस 3A डिवाइड बाय टू और नीचे क्या आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन कॉस सी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू ए प्लस 3A डिवाइड बाय टू साइन ए माइनस 3A डिवाइड बाय टू इसमें किसी को भी डाउट है बच्चे फॉर्मूले में चलो आगे स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया साइन ऊपर क्या आया 2A इंटू कॉस माइनस ए और नीचे आया माइनस साइन 2A इंटू कॉस साइन ए माइनस ए अब मेरे को कोई बताएगा कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा तो इसको तो कुछ नहीं करना साइन माइनस थीटा क्या होता है साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा तो ये आ गया आपके पास साइन 2A से साइन 2A कट गया कॉस ए बाय माइनस माइनस साइन ए द आंसर इज कॉट ए मेरे सबसे इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे नो सर चेतन नो सर मुस्कान है ग्रुप में yes, मुस्कान समझ आया यस सर चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं देखो बच्चे अगर मेरे को चाहिए प्रूफ करना है साइन 38 प्लस साइन 22 इज इक्वल्स टू साइन 82 ठीक है साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी 38 प्लस 22 डिवाइड बाय 2 साइन 38 माइनस 22 डिवाइड बाय 2 ठीक है तो ये कितना हो गया 2 साइन 30 इंटू साइन 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस आएगा सॉरी कॉस सी माइनस डी बाय 2 कितना हो गया 16 8 ठीक है तो 2 साइन 30 कितना होता है हाफ कॉस 8 कॉस 8 आया यहाँ पे तो कितना हो गया कॉस 8 को किस फॉर्म में लिखना है साइन 82 जो 10th में पढ़ा था आपने साइन कॉस 90 माइनस 82 दैट साइन 82 ये याद बच्चे सबको बात क्लियर है यस सर चलो अब नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आता है हमारा हमारे पास क्वेश्चन आया मेरे को प्रूफ करना है कि कॉस 55 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 175 इज इक्वल्स टू जीरो आप देखो कैसे प्रूफ करना आप इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो
टू कॉस सी प्लस डी 55 प्लस 65 डिवाइड बाय 2 इनटू कॉस 55 माइनस 65 डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस 180 माइनस 5 दैट इज माइनस कॉस 5 सिंस इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड कॉस विल बी नेगेटिव 180 मींस नो चेंज 2 कॉस 60 इनटू कॉस माइनस 5 और ये आ गया अब कॉस 60 कितना होता है हाफ 2 इनटू हाफ कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा माइनस कॉस 5 द आंसर इज 2 से हाफ कट गया आंसर इज 0 ठीक है अब जैसे क्वेश्चन आता है हमारा मेरे को प्रूफ करना है कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस में सॉरी बीच में नेगेटिव साइन है इज इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू थ्री पाई बाय फोर प्लस एक्स प्लस थ्री पाई बाय फोर माइनस एक्स कॉस सी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू थ्री पाई बाय फोर प्लस एक्स माइनस थ्री पाई बाय फोर यहाँ पे क्या आया प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 द आंसर इज माइनस 2 साइन तो पहला क्या आया 3 पाई बाय 4 ही रह गया और दूसरा क्या आया साइन 2x रह गया 2x का x रह गया साइन x रह गया अब यहाँ पे जो चीज आ गई साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी है साइन 3 पाई बाय 4 कितना होता है 135 उसको लिखते हैं 90 प्लस 45 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट साइन विल बी नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी प�जिटिव प्लस कॉस 45 cos 45 कितना होता है 1 by root 2 minus 2 into 1 by root 2 into sin x that is minus root sin x into root 2 यहां तक बात क्लियर है सबको बच्चे सबको बात अन्य बात क्लियर है यस सर बच्चे 1 to 5 प्लस सेवंथ क्वेश्चन कंप्लीट एट क्वेश्चन के पांच पार्ट्स एट क्वेश्चन के फर्स्ट फाइव पार्ट्स ये होमवर्क है और प्लस 8.1 एक्सरसाइज होमवर्क है अभी तक सेवंथ चैप्टर सबका हो गया यस सर यस सर बच्चे जिसका नहीं है वो कर लेगा एट चैप्टर कंटिन्यू तो ट्राई करेंगे थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट क्लास या परसों होगी जिसमें आपका 8 चैप्टर खत्म होगा और अब टाइमिंग फिक्स हो रहे हैं 1:15 वाला टाइम जो होगा वो फिक्स रहेगा आपका ठीक है मंडे जो भी क्लासेस होंगी अल्टरनेट होंगी या जैसे भी 1:15 का टाइम होगा 1:15 किसी भी क्लास का टाइम मत रखना ध्यान रखना